अस्सलाम वालेकुम, मैं रशिदा। मैं एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद से सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, नया दिन और नया व्लॉग आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। तो भाई, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है उन ख़वातीन के लिए। आज स्पेशली उन ख़वातीन के लिए मैं वीडियो जो है अपनी बनाने लगी हूँ जो कि हाउस वाइफ होने के साथ साथ वर्किंग वूमेन होती हैं। मतलब कि अपनी घर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को लेकर के उनके साथ साथ किस तरह से वो अपना एज अ वर्किंग वूमेन वो किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकती हैं और किस तरह से अपने आप को कैरी करती हैं। तो ये मैं आज आप लोग के लिए मज़ेदार वीडियो लेकर आई हूँ। तो भाई, स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए बग़ैर। और मैंने यहाँ देखे अभी इस पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है और मैं बिल्कुल यहाँ पर मेरी स्किन आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि वीडियो जो बनानी पड़ती है वो फ़ैन ऑफ़ करके बनानी पड़ती है। आप लोगों को तो पता है, फिर जो है वॉइस का मसला होता है। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो लोग यूट्यूबर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। तो खैर, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं डेली बेसिस पर तो इतना ज़्यादा हैवी लुक नहीं कर सकती। तो सिर्फ़ और सिर्फ टोटल चार चीज़ें हैं। वो चार चीज़ें क्या हैं जो कि जिनको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और यही चार चीज़ें अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर। तो आप लोग भी देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा वीडियो देखने में और आप लोगों को बहुत काम आएगी मेरी ये वाली वीडियो। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने और चैनल पर जाके बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों ने देखनी है और लाइक करनी है। तो भाई चलिए चल के स्टार्ट कर। अच्छा जी, देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ टोटल चार चीज़ों से आपको आज का मेकअप अपना करके दिखाऊंगी, लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं डेली बेसिस पर अपना जो है मेकअप करती हूँ बहुत ही हल्का फुल्का, और वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी रिवाज से। इसकी जो फाउंडेशन है इससे मैं अपना जो है वो आपको मेकअप करके दिखाऊंगी। और ये मेरे पास है कि बहुत ही मज़े की चीज़ है ये, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। देखें, ये यहाँ पर इसका, इसी से मैं लगाऊंगी अपना ब्लश ऑन, इसी से लगाऊंगी मैं अपना हल्का सा आई शेडो, इसी से लगाऊंगी मैं अपनी लिपस्टिक। तो किस तरह लगाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वीडियो स्किप नहीं करनी है। इसके अलावा ये मेरा मस्कारा है और ये मेरी काजल पेंसिल है और ये आईब्रोज को फिलअप करने का ब्रश है। तो बस ये टोटल चार चीज़ें हैं। ये चार चीज़ें मेरी डेली जो है ना वो रूटीन में शामिल हैं। मैं किस तरह से इनको यूटिलाइज़ करती हूँ, किस तरह से अपना मेकओवर करती हूँ इन चार चीज़ों से, ये मैं आज आप लोग को दिखाने लगी हूँ। तो भाई वीडियो स्किप नहीं करनी है और रिवाज के बारे में बताती चलूँ कि 12 बार इसकी जो है कवरेज है, फुल फेस कवरेज है, 12 उधर नहीं होता और माशाल्लाह इतने अच्छे इसकी बेस बनती है कि जो है उसके बाद पसीने वगैरह भी बहुत कम आते हैं। यूजुअली होता यह है कि फाउंडेशन लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। और ये आइवरी में है मेरे पास, मैं ये वाला शेड यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के हिसाब से। आप लोग की स्किन के हिसाब से जो भी शेड हो वो आप लोगों ने लेना है। और ये 12 आवर्स इसकी जो है वो है, इसकी 12 घंटे तक आपका मेकअप बिल्कुल जमा रहेगा।
अच्छा जी देखें, ये यहाँ पर हो गया है, मेरा फुल कवरेज हो गई है, मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। इसके अलावा और कुछ भी मैं अप्लाई नहीं करूँगी, मेरा बेस अल्हम्दुलिल्लाह डन है। इतना सा 2 ड्रॉप लिए मैंने और ये मेरी स्किन के लिए काफ़ी हैं। और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, पानी बहुत पिया करें, गर्मी का मौसम है तो पिंपल वगैरह इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। तो भाई यहाँ पर अब देखें, मैंने फाउंडेशन मेरी हो गई है तैयार और अब इसके बाद मैं करने लगी हूँ अपना इस ब्लश ऑन। ये मेरा ब्लश ऑन है, बहुत ही मुझे प्यारा है, बहुत ही हसीन शेड है इसका। और ये मैं अप्लाई करती हूँ एज अ ब्लश ऑन, एज अ लिपस्टिक, एज अ आई शेडो, क्योंकि अब देखिए डेली बेसिस पर हम कोई मतलब एज अ वर्किंग वूमेन हम लोग नहीं कर सकते बिल्कुल भी, कोई आई शेड लगा रहे बहुत हैवी लुक का तो नहीं दे सकते अपने आप को। तो ये बहुत हल्का फुल्का, बहुत लाइट सा और पिंक शेड मैं समझती हूँ ऐसा है कि पिंक शेड जो है वो आपके हर सूट पर चल जाता है। और पिंक जो है वो कलर मुझे ऑलरेडी इतना पसंद है तो इसलिए मैं अब ये करने लगी हूँ अप्लाई क्रीमी टेक्सचर के अंदर। ये देखें, मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, मेरे पास बहुत टाइम से ये चल रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी बचा हुआ है मेरे पास, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो मैं इसको डेली बेसिस पर अपने यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी इसकी ज़बरदस्त जो है ना वो उंगली फिंगर पर। और मैं अब मैं अप्लाई करूँगी अपना ये यहाँ पर अपना ब्लश ऑन, एज अ ब्लश ऑन भी आप यूज़ कर सकते हैं, हल्का हल्का सा आप अपना हल्का हल्का टैप करना है, हल्का सा मतलब ये क्रीमी टेक्सचर होता है तो हल्का हल्का बस टैप करना होता है हमें, वरना तो फिर हमारी बेस जो है वो, तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा। आप लोगों को यहाँ पर कैमरे की लाइट जो है वो पड़ रही है तो इसलिए आप लोगों को सही वाजह नज़र नहीं आ रहा होगा। अब यही मैं अप्लाई करने लगी हूँ देखिए अपने आई शेड पर, एज आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ, ना कोई ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ना मैं कोई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, सिर्फ और सिर्फ फिंगर की मदद से मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा डेली बेसिस का मेरा मेकअप है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और चाहें तो उसको इतना ही रहने दें और चाहे तो उसको आप मतलब पूरी आईज़ को भी कवर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस तरह अपना आई शेडो जो है वो लगाना चाहते हैं। अच्छा जी, आई शेडो हो गया है हमारा तकरीबन जो है डन हो गया है और ब्लश ऑन भी जो है डन हो गया है। अब करने लगी हूँ ये ब्लैक पेंसिल से मैं अपनी आईब्रोज फिल करेंगे। ब्लैक पेंसिल मैंने लेके अपने कॉर्नर्स पर अप्लाई कर ली है और बिल्कुल सिंपल पेंसिल है, रिवाज की पेंसिल है ब्लैक। आप लोग जो है कोई भी अपना कलर ले सकते हैं, मैं ब्लैक पेंसिल यूज़ करती हूँ एज अ लाइनर डेली बेसिस पर। देखिए मैंने हाफ अप जो है ना अपनी आंखों पर लगाया है, मैंने पूरा फुल यहाँ तक लेकर नहीं गई हूँ और बस हाफ अप मैंने लगाया है। अभी ये ब्लेंडिंग ब्रश है तो कि इसकी मदद से मैं अपना लाइनर को हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी ताकि thank you.
साथ मैंने ब्लेंडिंग किस तरह अपनी जो है ना वो आइज़ की जो है ब्लेंडिंग करी है ब्लैक पेंसिल से, और ये मैं अब ज़रूर अप्लाई करती हूँ वाइट पेंसिल जो कि आपको नज़र आ रही होगी। ये मैं अपनी अंडर वाटर लाइन जो हमारी होती है उस पर अप्लाई करना होती है, तो ये मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो इससे जो है हमारी आँखें बहुत अच्छा सा इसका लुक आ जाता है हमारी आइज़ का। और हमारी आंखें इन्हेंस हो जाती हैं। तो ये देखें आप लोग, अब बारी आती है मस्कारे की। तो ये मैं अब अप्लाई करने लगी हूँ मस्कारा, मेरा फेवरेट मस्कारा है ये, बहुत अच्छी इसका वॉल्यूम है। और ये मैं अप्लाई करने लगी हूँ मस्कारा। आपने मेरा आज का मेकअप किस तरह से मैंने अपना लुक क्लियर किया सिर्फ 4 चीज़ों से, और ये आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल वे में मैंने अपना मेकअप इजी कर लिया है, क्योंकि डेली बेसिस पर हमें मेकअप चाहिए होता है, तो इसलिए अब हम रोज़ रोज़ तो इतना हैवी अपना लुक नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं अपना मेकअप कुछ इस तरह से करती हूँ डेली बेसिस पर। तो भाई आज जो है आज आपको मैं एक हिजाब ट्यूटोरियल भी देने लगी हूँ, साथ साथ मेकअप के साथ साथ आपको मैं हिजाब भी क्योंकि करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको अपना हिजाब भी स्टाइल बनाकर दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से अपना हिजाब लुक क्लियर करती हूँ। तो बहुत इजी वे में है, कोई पिने विने मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। और देखें ये मैंने कोई भी आप कैप ले लें अंदर का, अंदर जो कैप होता है स्कार्फ के, और ये मेरा स्कार्फ है। तो इस तरह से आपने वो कैप लगाने के बाद, और ये देखें आप मैं किस तरह से जो है वो जिस तरह से लड़कियां कैरी करती हैं, कॉलेज की लड़कियां, यूनिवर्सिटी की लड़कियां, और कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा पिने जो है ना वो लगाती हैं। मेरे पास तो खैर पिने मैं नहीं लगाती इतनी ज़्यादा क्योंकि टाइम नहीं होता है तो इतना पिने लगाने का, और दूसरा ये कि इस तरह की जो है वो लेयर आप लोग कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से ब्रेक करके जाएँ तो बस सिंपल, आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और बस ये जो है इस तरह से। अभी तक मैंने इसमें एक भी पिन यूज़ नहीं करी है और सिर्फ मैंने यहाँ पर लेयरिंग करी है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल लूज़ है। अब आपने क्या करना है, ये इस तरह से आपने जो है ये देखें एक ही, ये मेरा स्कार्फ है और ये एक ही पिन के अंदर मैंने पूरा ये कवर कर लिया अपना। तो ये बहुत इजी जो है तरीका है, और मैं इस तरह से अपना लुक क्रिएट करती हूँ डेली बेसिस पर। जो है मेरा ये वाला लुक होता है और मैं इस तरह से अपना करती हूँ। अब जो चुने आ रही हैं जो भी लेयर हमने करी हैं, तो वो थोड़ी सी अगर लूज़ लग रही हैं आपको तो आप उसको सेटिंग कर सकते हैं, और इस तरह से जो है ये आगे का हमने इस तरह कर लिया। और ये हम खैर नॉर्मली मैं कोई भी पिन यूज़ नहीं करती सिवाय एक पिन के अलावा, लेकिन आज मैं आपको वो लड़कियां वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो चुने अगर जैसे हमारे लेयर जो है ज़्यादा अगर लूज़ लग रही हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो ये वाली जो पिन होती है बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी होती हैं। तो इस तरह करके हम जो है इसको पिनअप कर लेंगे, तो ये अंदर चली जाती हैं और बिल्कुल भी देखें हमारा कवर हो गया। तो इस तरह करके हम अपने लेयर्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो देखें सिर्फ और सिर्फ मैंने दो पिनें लगाई थी ली थी, लेकिन दो पिनों की मुझे यहाँ ज़रूरत फील नहीं हो रही है, और एक ही पिन में मेरा काम हो चुका है। और ये देखें एक पिन के अंदर मेरा पूरा हिजाब कवर हो गया है। सो होप सो कि आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, उन खवातीन के लिए बहुत ही आराम आती है जो बाहर जाती हैं वर्किंग वूमेन है और अपने घर के साथ साथ अपने बच्चों को अपने घर को अपने काम को लेकर चल रही हैं, तो उनके लिए डेली बेसिस पर इस तरह का मेकअप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही आराम रहेगा। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी, मैं मिस रोज़ के फाउंडेशन से करके दिखाऊंगी आपको। मैं मिस रोज़ भी मेरा डेली बेसिस पर होता है और उसकी फुल कवरेज है, तो मैं उसे भी आपको अपना लुक क्लियर करके दिखाऊंगी। आज मैंने रिवाज से अपने फाउंडेशन से रिवाज की फाउंडेशन से आपको करके दिखाया है अपना लुक, और ये देख सकते हैं आप लोग कितना लाइट सा मेरा मेकअप हुआ है, बिल्कुल कोई ऐसा हैवी भी नहीं है बिल्कुल भी, और आप बहुत अच्छे से अपने आपको कैरी कर सकते हैं इस तरह से। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों ने। ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।